Let's take more examples for the conversion of the regular expression to the finite automata. और पहला सिंबल हम पिक करें ए स्टार बी, पहला रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार बी है. सो हमारे पास मेथड ये होता है कि हम अगर मल्टीपल सिंबल्स हैं, हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, तो हम इसको पहले ए स्टार बी ऐसा हम लिख लें एंड देन इसके बाद कन्वर्ट करके ब्रेक डाउन हम करेंगे. सो ए स्टार बी का सिंपल से मीनिंग है कि ए का क्लोजर है एंड देन फॉलोड बाई बी है. सिंपल ये हो सकता है इसमें, ये जो इनिशियल स्टेट है यहाँ पे हम ए का ट्रांजिशन दिखा दें एंड देन उसके बाद बी से हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाए. थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहेंगे दूसरे तरीके से, तो ए स्टार को दिखाने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेट एप्सिलॉन सिंबल से एक स्टेट में पहुंचता है जहां पे ए से ट्रांजिशन होता है एंड देन उसके बाद हम एप्सिलॉन सिंबल से दूसरे स्टेट में पहुंचते हैं, सॉरी एप्सिलॉन नहीं बल्कि बी सिंबल से हम दूसरे स्टेट में पहुंचते हैं और हम मान सकते हैं कि यही हमारा फाइनल स्टेट है. सो ये भी सही है और ये भी सही है. एग्जाम में अगर आप करें तो ये वाले मेथड से जरूर करें क्लोजअप के दिखाने के लिए. नेक्स्ट हम पिक करते हैं दैट इज ए बी स्टार. सो ए बी बिल्कुल ही सिमिलर है और ए बी स्टार का मीनिंग ये है कि सबसे पहले आप ए सिंबल लें इनिशियल स्टेट पे और आप पहुंच जाए एक नए स्टेट पे. इसके बाद आप बी सिंबल ले लें और उससे सेल्फ लूप बना लें और यही हमारा फाइनल स्टेट होगा. सो दिस इज वेरी सिंपल टू डिजाइन. नेक्स्ट हम पिक कर रहे हैं ए स्टार बी सी स्टार. सो ए स्टार बी सी स्टार को बनाने का मतलब है कि हमारे पास तीन डिफरेंट इसमें हमें कंपोनेंट्स दिख रहे हैं. ए स्टार बी सी स्टार में तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट ये, दूसरा ये और तीसरा ये. तो मेथड ये है कि सबसे पहले आप एक ही ट्रांजिशन से पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को दिखा दें एंड देन इसके बाद इसको ब्रेक डाउन करें. तो जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एक ए स्टार है, एक बी है और एक सी स्टार है. सिंपल मेथड से अगर हम इसको बनाना चाहें, सो ए का ट्रांजिशन हम इस पे करा देते हैं, बी से हम नए स्टेट में मूव कर जाते हैं दैट इज द फाइनल स्टेट और यहाँ पे आप सी का ट्रांजिशन दिखा सकते हैं. ना दूसरा तरीका यह है कि हम इसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन से दिखाएं. तो आप इसको इनिशियल स्टेट मान लें और इनिशियल स्टेट से एप्सिलॉन ट्रांजिशन से आप एक स्टेट में पहुंचे जहां पे आप ए से सेल्फ लूप दिखा दें. फिर इसके बाद आप बी सिंबल से नेक्स्ट स्टेट में पहुंच जाएं और नेक्स्ट सिंबल नेक्स्ट जो स्टेट है वहां से एप्सिलॉन ट्रांजिशन से आप एक नए स्टेट में पहुंचे और इसमें यहाँ से सी स्टेट सी का ट्रांजिशन दिखा दें सेल्फ लूप तरीके से एंड देन एप्सिलॉन से आप फाइनल स्टेट पहुंच जाए. सो ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि पहला वाला जो कंपोनेंट है वो ए स्टार कंपोनेंट है. सो हम इनिशियल स्टेट से एप्सिलॉन से ए से ट्रांजिशन दिखाने के लिए या सेल्फ लूप दिखाने के लिए इस स्टेट में पहुंचे. देन बी एक सिंबल है जो कि ऑप्शनल नहीं है, इसलिए हमने बी से नए स्टेट में पहुंचे. यहाँ पे वंस अगेन एक सेल्फ लूप है, तो सेल्फ लूप को दिखाने के लिए हमने एप्सिलॉन ट्रांजिशन से नए स्टेट में गए और यहाँ पे सी से ट्रांजिशन दिखाया और फाइनली एप्सिलॉन ट्रांजिशन से आप फाइनल स्टेट पहुंचे. ये भी आपका ऑटोमेटा सही है और ये भी ऑटोमेटा आपका सही है. नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास ऑटोमेटा है उसके लिए हम लोग बनाते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज ए स्टार बी ए प्लस बी होल स्टार दिस वन. सो ए स्टार बी एंड ए प्लस बी होल स्टार. इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वंस अगेन हम एक इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं. सो हम पहले स्टेप में इनिशियल स्टेट से सारे सिंबल्स लेके मतलब कि ए स्टार बी एंड ए प्लस बी होल स्टार यू कैन रीच टू द फाइनल स्टेट. देन इसके बाद इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. तो आप अगर इसमें देखें तो एक कंपोनेंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है. सो तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. तो पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट के लिए अगर डिजाइन करें सिंपल मेथड से, तो ए का ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट पे, देन इसके बाद बी से हम नेक्स्ट स्टेट में पहुंचे और इसके बाद फिर ए प्लस बी का क्लोजर है यहाँ पे. सो ए प्लस बी से आप ये सेल्फ लूप दिखा दें, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी ऑटोमेटा में नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं. और ए कॉमा बी या ए अलग से और बी अलग से ऐसा आप इसमें ट्रांजिशन दिखा सकते हैं. सो दिस इज द ऑटोमेटा फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन.
नाउ आप अगर इसको एप्सिलॉन वाले मेथड से बनाना चाहें तो हम एप्सिलॉन वाले मेथड से भी बना सकते हैं। आइए उससे भी बना के देखते हैं। लॉजिकल सेग्रीगेशन के लिए हमें एप्सिलॉन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए एप्सिलॉन ट्रांजिशन वाला प्रेफरेबल होता है। तो हमने इसको बना लिया है और इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जो हमारा इनिशियल स्टेट है उस इनिशियल स्टेट से एप्सिलॉन सिंबल से एक स्टेट में पहुंच रहे हैं जहां पे ए से ट्रांजिशन हो रहा है। इसके बाद बी सिंबल कंपलसरी है इसलिए हमने ऐसा ले लिया, और बी के बाद मुझे ए प्लस बी का ट्रांजिशन दिखाना है इसलिए मैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन से एक स्टेट में पहुंचता हूँ जहां पे ए का और बी का लूप होगा। सो ए का और बी का सेल्फ लूप एंड देन एप्सिलॉन ट्रांजिशन से आप फाइनल स्टेट में पहुंच सकते हैं। सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट पिक करते हैं। नेक्स्ट इज ए बी स्टार, ए बी का होल स्टार एंड देन ए बी स्टार। सो लेट्स से वी आर पिकिंग दिस ए बी का होल स्टार एंड देन ए बी स्टार। दिस वन इज इंटरेस्टिंग, इसमें एक कंपोनेंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा कंपोनेंट ये है। सो आप एक इनिशियल स्टेट बना लीजिए एंड देन आप एक फाइनल स्टेट बना लीजिए। नाउ ए बी होल स्टार एंड देन ए बी स्टार, ये हमारा कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन में बना दिया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड कैसे करेंगे, पहला कंपोनेंट है ए बी का होल स्टार, तो इनिशियल स्टेट पे आप ए बी का सेल्फ लूप बना सकते हैं। फिर सिंगल सिंबल ए से आप नेक्स्ट स्टेट में मूव करेंगे, दैट इज द फाइनल स्टेट, और यहाँ पे बी से सेल्फ लूप हमने बना दिया। अब चूंकि ए बी सिंबल कंप्लीटली नहीं दिखाया जा सकता, दो सिंबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक मीडिएटर स्टेट ऐड करके इस ए बी को आप दिखा सकते हैं एंड देन इसके बाद ए से ट्रांजिशन है एंड देन बी से भी ट्रांजिशन है, बी से सेल्फ लूप है, दिस इज द फाइनल स्टेट। सो दिस वाज व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द एप्सिलॉन ट्रांजिशंस। अगर आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन का यूज करेंगे तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम जो पहला वाला पार्ट है उसमें सेल्फ लूप है, इसलिए इनिशियल स्टेट से एप्सिलॉन ट्रांजिशन से आप एक स्टेट में पहुंचिए और उसके बाद फिर यहाँ पे ए बी से सेल्फ लूप बना दीजिए। इसके बाद सिंबल ए कंपलसरी है, इसको लेके आप नेक्स्ट स्टेट पहुंचते हैं। क्योंकि नेक्स्ट स्टेट बी स्टार बता रहा है इसलिए यहाँ से एप्सिलॉन से आप नेक्स्ट स्टेट में पहुंचिए जहाँ पे बी से ट्रांजिशन दिखा दीजिए और यहाँ से एप्सिलॉन ट्रांजिशन से फाइनल स्टेट। ओके सो ए बी चूंकि एक साथ नहीं दिखाया जा सकता इसलिए हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। इसको ब्रेक डाउन करके हम दो स्टेप में इसको ऐड करेंगे, इसका मीनिंग है कि हम एक सिंबल ए एंड देन दूसरा सिंबल बी। सो ये ए बी का सेल्फ लूप इस तरह से बन गया। सो यू कैन सी दैट दिस इज वेरी इजी टू डिजाइन इन कन्वर्जन ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन टू द फाइनाइट ऑटोमेटा। वी विल मीट अगेन विथ मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।